लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जाता है। डूबते और उगते हुए सूर्य देवता की उपासना और अर्घ्य देकर छठ माता की पूजा की जाती है। इस महापर्व छठ की लोक आस्था की महिमा सात समुन्दर पार ब्रिटेन तक पहुँच गयी है, इसलिए इस बार छठी मैया को समर्पित निर्देशक एवं यश फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के कंटेंट हेड कुमार सौरभ सिन्हा ने ब्रिटिश एवं भारतीय कलाकारों को लेकर छठ पूजा गीत छठ पूजा इन लंदन के वीडियो की शूटिंग लंदन में किया है। निर्देशक सौरभ सिन्हा ने विश्व स्तर पर भोजपुरी को नई पहचान इस छठ गीत से दिलाई है। छठ पूजा इन लंदन इस साल का सबसे महंगा छठ गीत है, जिसे यशी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है और रिलीज होते ही यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। यह छठ गीत काफी मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। इस वीडियो में ब्रिटिश अभिनेता सैमी जोनस हेनी नजर आ रहे हैं, जो विभिन्न हाई बजट फिल्म जैसे वेलकम टू न्यूयॉर्क, हाई एंड यारिया में काम कर चुके हैं। परिणीति चोपड़ा अभिनीत उनकी आगमी नेटफ्लिक्स फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन है। वही फीमेल लीड में सोनम नानवानी है, जिन्होंने कई प्रतिष्ठित बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों जैसे अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म गोल्ड, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म नमस्ते इंग्लैंड और खिदोखुंडी में रंजीत बाबा और मैंडी तक्खर के साथ काम कर चुकी है। इस गाने में दिग्गज अभिनेता पद्म सिंह भी है, जो खाकी और लेजेंड ऑफ भगत सिंह में नजर आ चुके हैं, साथ ही कई भोजपुरी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। गौरतलब है कि इस बार कुमार सौरभ सिन्हा ने अब तक का सबसे महंगा भक्ति संगीत वीडियो का निर्देशन किया है। छठ पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी देवी की पूजा की जाती है। इस बारे में कुमार सौरभ ने बताया कि छठ पूजा हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। यह सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्योहार में से एक है, जो प्रकृति संरक्षण का संदेश फैलाती है। छठ पूजा के दिन सभी भक्त जाति, रंग या सामाजिक स्थिति के किसी भी भेद के बिना गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं और सूर्य देव को प्रसाद अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि लंदन में छठ पूजा यह दिखाने का प्रयास है कि इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय इसे कैसे मनाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक ब्रिटिश पति अपने भारतीय पत्नी की संस्कृति को अपनाता है और छठ पूजा मनाता है। यह वीडियो विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करेगा और दोनों देशों को करीब लाएगा। वहीं इसको लेकर यश फिल्म्स के निर्माता अभय सिन्हा ने कहा कि हमें हमेशा से ऐसे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक सामाजिक संदेश लाए। बता दें कि कुमार सौरभ सिन्हा हॉलीवुड में विभिन्न बड़े फिल्म परियोजनाओं और अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी डिज्नी जैसी कुछ बड़ी फिल्मों में परियोजना पर काम करने के बाद अब भोजपुरी फिल्म उद्योग में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे पवन सिंह, रितेश पांडे जैसे भोजपुरी सुपरस्टार के साथ भी काम कर चुके हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने भोजपुरी का सबसे महंगा म्यूजिकल वीडियो दुबई में शूट किया था और अब छठ पूजा के अवसर पर गीत छठ पूजा इन लंदन एक इंटरनेशनल गीत लेकर आए हैं, जो यशी फिल्म्स के यूट्यूब पर रिलीज की गई है। इसमें संगीत गोविंद ओझा और पंकज तिवारी का है। गीत में अन्वेषा की मधुर आवाज है, जो गोलमाल रिटर्न्स, प्रेम रतन धन पायो जैसी बड़ी फिल्मों के लिए जानी जाती है। इस वीडियो के अंत में खूबसूरत संदेश भी लिखा हुआ आता है, घर हो या समंदर पार, मनाए हर कोई छठी पूजा का यह पावन त्योहार। उल्लेखनीय है कि पटना बिहार के रहने वाले कुमार सौरभ सिन्हा के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। फिल्म निर्माण की कला के प्रति उनकी दीवानगी ने उन्हें फिल्म निर्माण को अपने मुख्य करियर के रूप में आगे बढ़ाया है। कुमार सौरभ सिन्हा अपने जुनून को फॉलो करते हुए फिल्म निर्माण की कला सीखने के लिए 2011 में न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में शामिल हुए। उन्हें फिल्म निर्माण की कला से पूरी तरह प्यार हो गया और उन्होंने अपने कौशल को बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने फुल सेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2015 में फिल्म प्रोडक्शन में MFA के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें फुल सेल यूनिवर्सिटी द्वारा ग्लोबल अचीवमेंट स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है। उन्होंने विभिन्न अमेरिकी कंपनी जैसे अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क डिज्नी के साथ काम किया है। उन्हें IBFA लंदन में 2017 में राइजिंग टैलेंट और 2019 में IBFA सिंगापुर में बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया है। फिलहाल वह मुंबई में स्थित यश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के कंटेंट हेड है।